देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मुझे पता नहीं, पर अगर बचपन में इनफैक्ट अभी तक अगर बेस्ट फ्रेंड अच्छा है या नहीं उसका अप्रूवल मुझे अपनी आई से ना मिले ना, तब तक यू नो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर। हे गाइस, दिस इज मी यशी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, हिट दी बेल आइकन, और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो कि है drama.diva के नाम से। देखिए क्या हो रहा है ना कि फैमिली वीक चल रहा है, बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, और ऐसे में राहुल वैद्य की मॉम घर के अंदर आई थी और उन्होंने उनको गाना भी गाकर सुनाया था। ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना घर के अंदर, जो कि बिल्कुल बयां नहीं कर सकते हो आप, राइट। और एक ऐसा ही मोमेंट हमने कैप्चर किया जब अली चुपके से जाते हैं उस ग्लास कैबिन के पास में, और वो जो रबर ग्लव्स हैं जो कि ओनली जरिया था घर के कंटेस्टेंट्स अपने अपनों को छू सकते थे, टच और फील कर सकते थे, उन ग्लव्स से आशीर्वाद ले रहे हैं। बिकॉज आई थिंक ही इज़ रियली वेरी टच्ड जिस तरीके से राहुल वैद्य की मॉम ने अली की तरफ अपने जेस्चर्स दिखाए हैं, और वो वहाँ पर बहुत इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो ये कैमरे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राहुल वैद्य और राखी सावंत दिशा परमार और उनकी शादी को लेकर के बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी फैमिली ने अप्रूव कर दिया है दिशा परमार को, पर अली चुपचाप वहाँ रबर ग्लव से आशीर्वाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मोमेंट हमने कैप्चर किया और सोचा कि आपको क्यों ना बता दिया जाए कि भाई हमारे घर के कंटेस्टेंट्स जो हैं वो इतने भी पत्थर दिल नहीं होते हैं, उनके पास में भी दिल होता है, आखिर खेल में पत्थर दिल रहना ही पड़ता है, राइट। इस मोमेंट को हमने कैप्चर किया, आपके साथ में शेयर किया। अगर ऐसे कोई भी आपके दिमाग में मोमेंट्स आते हैं जो कि आप चाहते हैं हम आपके साथ में शेयर करें, प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल द वे फ्रॉम द बिग बॉस हाउस सीजन 14 के देखते जाइए बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है यशी, एक बार फिर से प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। मैं रहूँगी यहीं, स्टे ट्यून्ड।